चलिए आज बनाएंगे कच्चे चावल का और आलू का टेस्टी नाश्ता। चलिए दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही है। ये है कच्चा चावल जिसे मैंने भिगो के रखा था, इसे आप पीसेंगे पानी निकल जाए। मिर्ची और नमक डालेंगे, लेते हैं। देखिए एकदम ये बैटर गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और चला देंगे, पानी नहीं डालेंगे बस, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। चलिए एक बार इसे चला देते हैं और यहाँ तैयार है। देखिए चावल का जो पीसे हैं इसे रख देते हैं, बॉयल आलू इसे मैश कर लेते हैं, कुछ मसाले ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, कम ही नमक डालेंगे उसमें भी है, बैटर में डाले थे, मिर्ची कुटी हुई अच्छे से मिला लेते हैं, मिर्ची भी काट दिया है इसे भी मिला लेते हैं, चाहे तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बड़े के जैसा बना लेंगे गोल गोल, भगोने में पानी गर्म हो रहा है, छन्नी रख दिया है, में गाढ़े बैटर को डाल देंगे, बैटर डाल के टिक्की डाल देंगे, इसे भी डाल देंगे। कटोरी में रख के भाप के ऊपर रख दिया है, जाएगा तब निकाल लेंगे। गैस भाप लग गया है, इसे अब निकाल लेते हैं, इसे चाकू से हम आराम से निकाल लेंगे। गैस चाकू से हमने इसे निकाल दिया है, आलू और कच्चे चावल का नाश्ता ये रेडी है। कटोरी में रख के देखिए ये भी, इसे भी निकाल लेते हैं चाकू की सहायता से, देखिए गाइस इसे भी निकाल लिया है। देखिए आप इसे चपटा करके या गोल बड़े के जैसे भी रख के इसे बैटर को डाल के ऊपर से बना सकते हैं। देखिए हमारा नाश्ता कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। अब इसे सर्व करते हैं चटनी के साथ, आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, देखिए मीठी चटनी आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। नाश्ते में आप इसे बना के ट्राई कर सकते हैं, मैंने दो तरीका बताया, एक टिक्की के आकार का बनाएं आलू को तब बैटर डाल के बनाएं, एक बड़े पे बड़े के जैसा। देखिए दोनों ही स्वादिष्ट लगते हैं, करके खा सकते हैं या वैसे ही। आपको कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।